हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। सो अगर हम बात करें इसके, तो एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एएसआई एंड स्टेनो और एचसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, एग्ज़ाम होगा गाइस हमारा ऑनलाइन होगा, ठीक है, ओएमआरसी बेसिस होगा। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी 1 घंटे 40 मिनट, यानी कि पूरे 100 मिनट, और इसमें 100 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होगा, जिसमें हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें 5 पार्ट्स होंगे हमारे, ठीक है। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ हमारे 4 पार्ट्स होंगे। पहला होगा पार्ट 1, जिसमें हमारा आएगा लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश और हिंदी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट किया जाएगा। दूसरा होगा पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें 20 मार्क्स का होगा। फिर होगा हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें होगा हमारे 20 मार्क्स के। फिर होगा हमारा क्लरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें 20 मार्क्स का होगा और 20 क्वेश्चंस होंगे, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगी, जिसमें आएगा हमारा 20 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 20-20 मार्क्स के 20-20 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ फॉर द रिटेन यहाँ दे रखा है, पूरा टोटल जो कट ऑफ होगी 35% होगी जनरल के लिए और 33% होगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इतना तो आपको चाहिए चाहिए। एंड जो क्वेश्चन होगा 2 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। एंड आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन से में आंसर देना चाहते हैं, आप इंग्लिश हिंदी दो में। तो आप बात करते हैं सेक्शन वाइज सिलेबस की। तो सबसे पहले बात आती है हमारी हिंदी सिलेबस की, जिसमें गाइस आपका क्या पूछा जाएगा, ग्रामर आपकी टेस्ट की जाएगी, ठीक है, जैसे कि राइटिंग एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, और एरर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि जो गलतियां होती हैं हिंदी इंग्लिश में सेंटेंसेस में, वो आपका देखा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जिसमें वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ए एन और द वाले क्वेश्चन आएंगे, एंड वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेसेस एंड आइडोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स एंड एसेट्रा। तो दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू कवर फॉर इंग्लिश एंड हिंदी सेक्शन। उसके बाद आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें आपका टेस्ट किया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला आता है हमारा इसमें एनालॉजीज, सिमिलरिटी डिफ्रेंसेज, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हो गए, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन हो गया, अदर एनालिटिक फंक्शंस हो गए, वेन डायग्राम्स हो गया, और रिलेशनशिप कंसेप्ट हो गया है, और एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्यूश पैटर्न्स एक्सेट्रा। सो ये हो गया हमारा जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें लॉजिकल क्वेश्चंस भी होंगे आपके, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है, और इसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शंस, ठीक है, परसेंटेज, एवरेजेस, एवरेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स, ग्राफ्स। तो सिलेबस जो लेवल होगा आपका 8th, 9th, 10th का होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। फिर आता हमारा क्लैरिकल एप्टीट्यूड। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड में आपकी टेस्ट की जाएगी कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है और क्या एप्टीट्यूड है आपका, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता, और मैथ में आप कितने थोड़ा ठीक ठाक है नहीं है। तो एबिलिटी टू, सबसे पहले आपका देखा जाएगा सिमिलरिटी डिफरेंस बिटवीन नेम्स एंड नंबर्स, पहले टेस्ट किया जाएगा उसमें। फिर होंगे आपके क्वेश्चंस होंगे एडिशंस टू परपेचुअल एक्यूरेसी एंड एप्टीट्यूड्स। एडिशंस की देखा जाएगा कि आप कितनी जल्दी फास्ट कर पाते हैं। एबिलिटी टू हैंडल ऑफिस वर्क लाइक फिलिंग, एब्रिविएटिंग, इंडेक्सिंग, यानी कि जो ऑफिस वर्क जैसे काम होते हैं वो भी आपके इन क्वेश्चंस के द्वारा टेस्ट किए जाएंगे क्लैरिकल एप्टीट्यूड में। फाइन, फिर आता हमारा लास्ट सेक्शन जो है हमारा कंप्यूटर वाला, बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो इसमें आज गाइस हमारा होगा कंप्यूटर नॉलेज में क्या आ जाएगा हमारा, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, ठीक है, विंडोज़, एमएस वर्ड्स, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल वाला होगा, प्रेजेंटेशन नॉलेज होगी जो कि हम एमएस पॉइंट पावर पॉइंट से बनाते हैं, एमएस एक्सेस एंड यूसेज ऑफ इंटरनेट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यानी कि जो इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम वहाँ एकदम जाके आप डम हो जाओ। सो उसके बाद आएगा हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्किंग कंसेप्ट। तो दीज आर द टॉपिक यू हैव टू कवर इन बेसिक नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अब आता है हमारा फिजिकल
फिज़िकल मेज़रमेंट का। सो फिज़िकल मेज़रमेंट में आपका होगा सबसे पहले जो शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एस सी एस टी में आप आते हैं तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर्स मेल एंड 155 सेंटीमीटर्स फीमेल्स, ठीक है। और साथ में गाइस आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ, जो कि इन कैटेगरीज में आते हैं। कौन कौन सी है यहाँ दे रखी है, गढ़वालीज, कुमनोइज, कमनोइज एंड गोरखाज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। इन सबको आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर्स मेल के लिए और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर्स, यानी आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन कैंडिडेट्स के लिए। अब आता हमारा चेस्ट के लिए, तो चेस्ट में गाइज हमारा होगा जनरल एससी के लिए होगा 77 सेंटीमीटर्स मेल के लिए एंड एसटी में होगा हमारा 76 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और 82 सेंटीमीटर्स होगा हमारा एक्सपेंडेड में, ठीक है। और जनरल एससी के लिए होगा सेम 82 और एसटी के लिए यहाँ गिवन है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली रिलैक्सेशन थी ये सिर्फ एसटी वालों के लिए, नॉट फॉर एससी वालों, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब्ड हमारा एसटी वालों के लिए है, तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा है उसके लिए एसटी वालों के लिए, नॉट फॉर द जनरल और एससी वालों के लिए। अब यहाँ आता है हमारा टाइपिंग स्पीड क्या चेक की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ एएसआई एंड स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए है, सो सबसे पहले 18 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए आपका इंग्लिश में और इन हिंदी फॉर 10 मिनट्स, और पर मिनट आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं और 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और साथ में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन इन इंग्लिश इन 50 मिनट्स, तो यहाँ हमारी फिर इंग्लिश की डिक्टेशन या फिर हिंदी की डिक्टेशन होगी। और साथ में टाइपिंग स्पीड की बात करें फॉर एससी, ठीक है, मिनिस्ट्रियल के लिए, इसमें टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 पर वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश हिंदी, दोनों में से एक होना चाहिए आपका, ठीक है। और यही बस, और 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको कुछ लिखने होंगे वर्ड्स, और फिर उसकी आप उसके बाद आपकी टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, आपका इवेल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद आप उसको बेसिकली आपको ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिजल्ट यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड। सो या दैट्स इट, आई होप यू अंडरस्टूड। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंद कक्षा। टिल देन।